रांची यूनिवर्सिटी के 64 साल हो गए हैं और हमारे साथ रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जुड़े हैं। और सर, सबसे पहले आपको बधाई हो। हाँ, आपको भी बधाई, ढेर सारी बधाई अपने ओर से, रांची विश्वविद्यालय की ओर से। मैं आप सारे पिलर को, सारे टीचर को, सारे स्टूडेंट को ढेर सारी 64वें वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ दे रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो सब। ये आप लोगों के कारण, आप लोगों के सौजन्य से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सर, 64 साल का जो सफ़र है, कैसे देखते हैं, कहाँ तक हम लोग पहुँच पाए? 64 साल का सफ़र, देखिए, एक टाइम ऐसा था जब हम पोस्ट कार्ड और इंग्लैंड और लिफाफा लिखते थे। एक टाइम ऐसा आ गया कि हम ईमेल लिखने लगे। तो फाइनली जो मेरा पीछे का एज था, जो हमारे बाबूजी वगैरह का समय था, उस समय में हम लोग नेचुरल स्लो थे। कम्युनिकेशन नहीं था हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, हमारा वीज़ा नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था। लेकिन आज की तिथि में जब हमारे पास सब कुछ आ गया है, तो हम पिछले 10 वर्षों में जिस स्पीड से रांची विश्वविद्यालय को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और जब हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, देख रहे हैं कि 10 वर्षों में ड्रेस्टिक चेंज आया है। आप चाहे एग्जामिनेशन ले लीजिए, चाहे आप अकाउंट्स ले लीजिए, चाहे आप हमारे एस्टेब्लिशमेंट ले लीजिए, हर जगहों पे हम अच्छा अच्छा काम करते चले गए हैं। लास्ट ईयर जो भी आप लोग के नॉलेज में हो, लेकिन हमने 327 लोगों को पेंशन दिया है। आज भी कैलकुलेट कर रहे थे, 1 अप्रैल से आज तक का हमारा 324 लोगों का मैंने पेंशन क्लियर किया। तो जो बैकलॉग था हमारे टीम के कारण, हमारे इनिशिएटिव के कारण, हम लोगों के एक्टिवनेस के कारण कंटिन्यूस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हो गया एग्जामिनेशन, कंप्लीट ऑटोमेशन में हम चले जा चुके हैं, मतलब इंक्लूड स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू माइग्रेशन, सब एक क्लिक पर आ गया है। चाहे मार्कशीट हो, चाहे प्रोविजनल हो, चाहे जो आपको चाहिए मिलने लगा है। अगर हम आपसे बात करें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, उसको में भी, इसमें भी हम बहुत निर्माण के साथ मिलकर बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आने वाले 2-3 महीने में आपको नज़र आएगा कि हर बिल्डिंग में काम लगा हुआ, हर बिल्डिंग चमक रहा है। सर, एक सवाल है, आप भी रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रहे हैं, आज वहाँ के कुलपति हैं, कैसे यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, एक स्टूडेंट और एक कुलपति का होना बहुत मैटर नहीं करता है, उसी स्टूडेंट का कुलपति होना मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपके पास विज़न क्या है। हमारा विज़न हमारे सामने लिखा हुआ है, और हर एक विज़न के लिए मेरा एक्शन प्लान क्या है, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। हमें जल्दी पहुँचना है तो हम हवाई जहाज़ से चलते हैं, 2 दिन में पहुँचना है तो हम ट्रेन से जाते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हम पे कि हम किस तरीके से, हमें कब कहाँ पहुँचना है। गोल बना हुआ है, गोल सेट है, गोल के अनुसार एक्शन प्लान बना हुआ है, और हम लोग लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सर, रांची यूनिवर्सिटी का जो नया भवन का जो मामला है, वो उसकी शुरुआत कब से हो रही है, कुछ शिलान्यास का करते हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो सावन पूर्णिमा को भूमि पूजन कर देंगे। हमारे साथ रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति से बातचीत हो रही थी, और उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये कही है कि रांची यूनिवर्सिटी का जो नया भवन बनेगा, उसका शिलान्यास जो है पूर्णिमा के दिन होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी पहल है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।